पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के बाद भाजपा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दो स्तरीय कार्य योजना बनाई गई। पहले योजना के मुताबिक महिलाओं के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन होगा और दूसरी योजना में गांव नगर के प्रत्येक बूथ पर जाकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के विषय में महिलाओं से बातचीत करनी है। दोनों योजनाओं का मकसद बिल्कुल संसद में भारी बहुमत से पारित कराकर कानून का स्वरूप देने के लिए गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना है। पार्टी की योजना को सफल बनाने के लिए जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष आकाश पाल की अध्यक्षता में इस योजना को बताया गया। साथ ही कहा गया कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने महिला आरक्षण बिल पास करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों ने रोड़ा अटकाने की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए विशेष सत्र बुलाया और लोकसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी। अब महिला मोर्चा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों और भाजपा के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो महिला मतदाता के पास उनसे जुड़ी इस उपलब्धि को लेकर जाएं। पार्टी की कार्य योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का सम्मेलन होना है। जैसा कि आपको अच्छे से विदित है कि नारी वंदन अधिनियम जो निकला है, जिसमें 33% आरक्षण की बात पूरी हुई है, उसके लिए भाजपा हर विधानसभा में नारी सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी सम्मेलन के आयोजन में हमने तीन चरणों में अपने सम्मेलन करने हैं। मुरादाबाद ज़िले की 6 विधानसभाओं में अलग अलग स्थानों पर ये सम्मेलन होंगे। इन्हीं सम्मेलनों की योजना तैयार करने के लिए मेरे साथ आज महामंत्री जी भी हैं, कमल जी, वो जिले के संयोजक हैं। मुझे समन्वयक बनाया गया है, वो जिले के संयोजक हैं, और हर विधानसभा के अलग अलग महिलाओं को हमने संयोजिका बनाया है, जो महिलाओं को लाएंगी और नारी शक्ति का जो साक्षात परिचय होगा वो इस नारी सम्मेलन से आपको होगा। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? मैंने आपको बताया, तीन चरण में है। 8 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में ये तीन चरणों में होने हैं, जिसमें ज़िले में हमारे यहाँ ठाकुर द्वारा की होगी, वो द्वितीय चरण में हो रही है 16 से 21 अक्टूबर के बीच में, और कांट, कुंदरकी और बिलारी, इन विधानसभाओं की हमारी जो बैठक होगी, सम्मेलन होगा, वो होगा हमारा 26 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में, और मुरादाबाद नगर इसका सम्मेलन होगा 8 तारीख से 15 अक्टूबर के बीच में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।